हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक में अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज की ये आप लोगों को 3D व्यूज दिख रहा होगा। ये 3D व्यूज हमारा एक डिस्पेंसरी, जो कि हम हॉस्पिटल, छोटा मोटा हॉस्पिटल बोल सकते हैं, ये डिस्पेंसरी है। ठीक, तो इसके बारे में हम प्लान भी पहले हम प्लान साझा करेंगे और उसको डिटेल बाय डिटेल हम समझाएंगे कहाँ पे क्या चीज होता है। उसके बाद हम 3D आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले 3D देखने से पहले हम एक बार आपको ले चलते हैं प्लान की तरफ, जो कि हमारा 2D प्लान भी है। अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप बनाना चाहते हैं, तो बेशक आप इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप कुछ भी पूछ सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अदर वीडियो भी आप देख सकते हो इस चैनल के माध्यम से, हर चीज फ्री सिखाया जाता है। तो एग्जांपल जैसे हम क्वांटिटी सर्वे सिखाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब स्टील, कंप्लीट स्टील निकालना सिखाते हैं, वो भी मैनुअल और एडवांस दोनों पार्ट में आपको सीखने को मिल जाता है। और जैसे हमारा ये रेविट आर्किटेक्चर है, वो भी सिखाते हैं। और कहने का मतलब कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन पार्ट और एंड बिलिंग, पूरे तौर पर बिलिंग आपको फुल्ली सीखने को मिल जाएगा इस चैनल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और ये हमारा है प्लान, जो कि आपको ये ग्राउंड फ्लोर की प्लान दिख रहा होगा, जो ये हमारा एक डिस्पेंसरी है। ठीक है, इस डिस्पेंसरी में हम एंट्रेंस से पहले हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एंट्रेंस है। ठीक है, ये हमारा एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से देखो एक रैंप की दिखाई, छोटी छोटी लाइन आपको रैंप दिखाई दे रहा होगा। और इस रैंप के थ्रू जैसे कोई हैंडीकैप है या कोई बुजुर्ग है तो वो रैंप के थ्रू से जा सकते हैं। और ये एक गेट भी दिया हुआ है, जो कि ये पूरा मिलके मेन गेट है हमारा, एक मेन एंट्रेंस है ये। और जो भी पर्सन आएंगे इसके अकॉर्डिंग से जा सकता है। उसके बाद एंट्रेंस हमारा सीधा रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये रिसेप्शनिस्ट की छोटी सी स्टॉल और टेबल, जिस तरह रिसेप्शनिस्ट के होते हैं उसी अकॉर्डिंग मैंने बना के दिखा दिया है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये सिटिंग एरिया है, जो कि आपको यहाँ पे चेयर लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले में जो पेशेंट आएंगे यहाँ पे बैठेंगे और रिसेप्शनिस्ट, मतलब रिसेप्शनिस्ट के पास आएंगे और उसके थ्रू हम, मतलब रिसेप्शनिस्ट के थ्रू जो होता है कि आपको कौन से ओपीडी या कौन से एक्सरे रूम में जाना है, यहाँ से एडवाइस दे दी जाती है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट वो ये चीज होता है हमारा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये सामने वाले जो D2 डोर आपको दिख रहा है, ये ऑपरेटर कंट्रोल पैनल OCP है हमारा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरे रूम D3 दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे और यहाँ पे हमारा पेशेंट बैठेंगे। यहाँ पे किसी चीज की रिक्वायर्ड अगर होती है डॉक्टर को, तो यहाँ पे छोटा सा हमारा ये विंडो लगी हुई है, विंडो के माध्यम से ये यूज कर सकते हैं इस वाले ऑपरेटर कंट्रोल पैनल OCP को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डोर हमने दिखा रखा है, ये स्लाइडिंग डोर है, जो कि ये स्लाइड होके इस तरफ हमारा चला जाएगा और बिल्कुल ये पूरा ओपनिंग मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा, एक डॉक्टर का रूम यहाँ पे भी है D1, उसी तरह मैंने सिटिंग भी दिखा रखा है। ये हमारे बीच में टेबल होते हैं और यहाँ पे हमारा डॉक्टर बैठेंगे और ये पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को, फिर ये डॉक्टर 2 मतलब डॉक्टर रूम 2 है, मतलब वो आप अपने अकॉर्डिंग अगर बनाते हो, तो सपोज आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो। हो सकता है कि आप इसका D2 नाम दे सकते हो, D1 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग नेम चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस वाले पोर्शन में या ग्राउंड फ्लोर पे जो भी हमारे स्टाफ होंगे, जो भी पेशेंट होंगे, उसके लिए ये यहाँ पे WC हमारा जो कंप्लीट टॉयलेट दिया गया है, जो कि आपको इस वाले पोजीशन में दिख रहा है। यहाँ पे W वॉश बेसिन है, यूरिनल है और यहाँ पे WC, क्योंकि ये डिस्पेंसरी है, कोई बड़ी सी हॉस्पिटल नहीं है, ये छोटा मोटा जो डिस्पेंसरी आप देख रहे होंगे वही चीज ये है। ठीक है, और काफी स्टैंडर्ड तरीके से इसको बनाया हुआ और काफी मेहनत से बनाया हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये D2 डोर यहाँ पे भी हम प्रोवाइड किया और इस D2 की डोर से अप दिखाई दे रहा होगा। अप का मतलब क्या है, ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए रिक्वायर्ड किया है या आपको फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर भेज रहे हैं, तो आप इस स्टेयरकेस के माध्यम से जा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिफ्ट प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम था, इसलिए मैंने लिफ्ट प्रोवाइड, बेशक अगर जगह होती तो मैं लिफ्ट भी दिखा देता। ठीक है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते, जो भी आपकी डिजाइन आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा लगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी हमें ये जाली डोर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पे छोटा सा लिफ्ट, हम 5.5 फुट का हम प्रोवाइड कर सकते हैं जी। लेकिन
हैं। और सबसे पहली बात हम आपको ये बताते हैं, ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा जो बाइक साइड से हम जाते हैं, ये इस तरफ, ये स्टाफ की सर्विस, मतलब ये सर्विस एरिया है जो कि स्टाफ लोग इधर से जाएंगे और इंट्रेंस होके अप होके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे या इधर से इंट्रेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सर्विस था। अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को विंडो की सेटअप दिख रहा होगा, वगैरह वगैरह बालकनियां, यहाँ पे देखो बालकनी दो दिख रहे हैं, यहाँ पे विंडो दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये इस वाले स्टेयर केस से अप होके मैं कहाँ पे पहुंच गया, हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए। ग्राउंड फ्लोर में ये हमारा वेटिंग एरिया, कोई भी पर्सन आते हैं तो यहाँ पे वेटिंग हॉल है जो कि पेशेंट वगैरह यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के बाद हम ये वाला डॉक्टर 3 रूम है हमारा, डॉक्टर 4 रूम है। उसी तरह से यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन बेड जिसको हम बोलते हैं, जो कि पेशेंट को इस पे लेटाया जाता है, जो पेशेंट चेकअप वेकअप के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा बेड हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको ये डॉक्टर 3 को देखने को मिल जाता, और एक आपको ये कॉन्फ्रेंस रूम मिल रहा है, जो कि कॉन्फ्रेंस रूम का मतलब ये होता है कि कोई भी डॉक्टर है या किसी का सर्जरी कर रहा हो या मीटिंग करनी हो, बहुत सारे 5-6 आदमी या जो भी जितने भी चेयर है उसके अकॉर्डिंग आके ये अपनी मीटिंग होती है, जिसके एक्सरे हो रहे हैं या कुछ भी, मतलब किसी भी संबंधित अगर वो अपना मीटिंग करना चाहता है तो ये एक्सरे कॉन्फ्रेंस रूम में आके डॉक्टर लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको D2 दिख रहा है, डॉक्टर D1 जो कि यही है, यहाँ पे डॉक्टर की चेयर लगी हुई है और यहाँ पे पेशेंट बैठेंगे, और यहाँ पे आपकी जो चेकअप के लिए एक बेड प्रोवाइड किया गया ये, और सेम एज इट इज आपका डॉक्टर 2 भी जो 8.5 फुट बाय 10 फुट का ये है, ये भी आपका 8.5 फुट बाय 10 फुट की बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम लेवल से डॉक्टर रूम है, ठीक है। उसी तरह ये सेम एज इट इज बनाया गया है, जो कि ये डिस्पेंसरी यहाँ पे एक बीच में दिख रहा है, जो कि मेडिसिन वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या था, ये हमारा कंप्लीट 2D प्लान था, और 2D प्लान तो आपको इस तरह दिख रहा है, और जस्ट आपको मैं 3D की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ कि 3D व्यूज कैसे दिखता है और किस हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर अच्छा अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर लाइक करना, क्योंकि काफी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। सोचो कि ऑफिस से आके सिर्फ मैं यही क्रिएट करता हूँ, कभी कभी मैं क्वांटिटी सर्वे को लेकर आता हूँ, कभी एस्टिमेशन के पार्ट लेके आता हूँ, मतलब हर एक टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आते ही रहते हैं, और सारे आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड ही मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। और कोई भी क्लाइंट अगर अपना मकान बना रहा है या घर बना रहा है, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको बेशक आपको बना के दे दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री प्लान होता है, कोई चार्जेबल नहीं होता है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं 3D की तरफ, और 3D व्यूज में आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बहुत अच्छा लुक वाइज आपको दिख रहा होगा, जो कि काफी सुंदर दिख रहा, ठीक है। ये मैं डबल क्लिक कर दिया, देखो जिस तरह मैंने इंट्रेंस आपको बताया, जो ये रैम के थ्रू यहाँ से होके ये वाला पार्ट में इंट्रेंस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 स्टेप दिखाया गया, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सर्विस एरिया है, सर्विस एरिया का मतलब ये हुआ कि जो स्टाफ लोग आएंगे जाएंगे जो भी अपना काम करेंगे इस थ्रू करेंगे, और यहाँ पे इंट्रेंस पेशेंट के लिए होता है। यहाँ पे हमारा अंदर की तरफ ये जो ये पेशेंट जो बैठने की जगह थी वहां पे ये रिसेप्शनिस्ट भी था हमारा, जो कि अभी मैंने प्लान में बताया था, वो सारे सेटअप जितना प्लान के अंदर था उतना ये 3D के अंदर है। ये सिर्फ मैं बाहर की लुक आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर मैंने इस हिसाब से किए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये था एक, दूसरी व्यूज जो मैंने दिखाया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दूसरी व्यूज हमें इस तरह की दिखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देख लो, अगर हम सामने से अगर देखते हैं तो इस तरह हमारा लुक वाइज मिल जाता है, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो भाई के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से वीडियो क्रिएट करता हूँ, बहुत टाइम लगता है क्रिएट करने में। थैंक यू, बस एक लाइक ही तो मांगता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।